एक बार आपको इसकी हेडलाइट को ऑन करके भी दिखाता हूँ, जब हेडलाइट ऑन होगी तो कैसे लुकाएंगे फ्रंट से। तो ये इसकी हाई बीम है, हाई बीम पे आप देख सकते हो, और ये इसकी लो बीम है, और पासिंग लाइट स्विच इसका ऐसे काम करेगा। ये पासिंग लाइट स्विच है, ये हाई बीम है और ये लो बीम है, और हैजार्ड लाइट्स भी हैं बाइक के अंदर, चारों इंडिकेटर्स एक साथ ऑन हो जाते हैं। भाई कावासाकी की Z1000 का न्यू मॉडल इंडियन टूलर मार्केट में फाइनली लॉन्च हो चुका है, तो आप देख सकते हो बाइक देखने में यार कैसे लग रही है आप बताओ। तो भाई ये जो बाइक है ना, ये कावासाकी की Z900 या Z1000 नहीं है, ये है हीरो की एक्सट्रीम 125R। सेगमेंट में सबसे ज़्यादा धांसू दिखने वाली, वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव और सबसे ज़्यादा प्यारी दिखने वाली 125 सीसी की बाइक है ये। इस बाइक के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन आज रियल लाइफ में बताएंगे भाई कि बाइक देखने में, रियल लाइफ में धूप में जब बाइक को लेके आए ना हम, तो बाइक देखने में कैसी लग रही है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, और कुछ चीज़ों के बारे में हमने पहले बात नहीं की थी, उन चीज़ों के बारे में डिटेल में बाइक के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू K2K मोटर व्लॉग्स। तो सबसे पहले प्राइस, ये इसका टॉप वेरिएंट है यानी कि सिंगल चैनल ABS वाला, और इसका एक शोरूम प्राइस है 99,500 रुपये, और दिल्ली में इसका ऑन रोड प्राइस आपको 1,10,000 रुपये से लेके 1,15,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा। लेकिन इसका एक बेस वेरिएंट भी आता है जिसका एक शोरूम प्राइस है 95,000, उसके अंदर आपको ABS नहीं मिलता है, उसके अंदर कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम है, लेकिन इसके अंदर आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाएगा, लेकिन पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा। भारत मोबिलिटी में इस बाइक को हम कवर कर चुके हैं, लेकिन आज बात करेंगे कि बाइक की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो यार इसका जो फ्रंट फेंडर है ना, बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच है, 125 सीसी सेगमेंट के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। ये जो बाइक है ना, ये पूरी आपको पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग के साथ में देखने को मिल रही है, क्योंकि ये इस बाइक का पूरा ग्लोसी ब्लैक कलर है, और भाई ग्लोसी ब्लैक कलर में क्या ही धांसू लुक आ रहे हैं इसके। मुझे पर्सनली इस बाइक का ये वाला कलर यार बेस्ट लगा सबसे। तो फ्रंट फेंडर पे आपको आगे जो कलर मिल रहा है वो ग्लोसी ब्लैक कलर मिल रहा है, लेकिन पीछे आपको मैट ब्लैक कलर मिलेगा, लेकिन बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच है भाई इसकी। यहाँ पे आपको ABS की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, जिस पे लिखा हुआ है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, और दोनों साइड में आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट में 240mm की इसके अंदर ये डिस्क ब्रेक है, और ABS की रिंग भी इसके अंदर दी गई है। 90/90 सेक्शन का फ्रंट में टायर है, MRF का नाइलो ग्रिप टायर इसके अंदर आपको मिलेगा। एलो व्हील्स का डिज़ाइन यार बहुत ही बढ़िया है, मतलब 125 सीसी सेगमेंट के अकॉर्डिंग एलो व्हील्स का डिज़ाइन बहुत अच्छा है। इसके अंदर जो ब्रेक कैलिपर्स हैं, कंपनी ने हाईलाइट नहीं किया है कि कौन सी ब्रेक कैलिपर कंपनी ने इसके अंदर यूज़ किए हैं। हेडलाइट की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, तो यार हेडलाइट के जो काउल है ना, इसका डिज़ाइन तो बहुत अच्छा है ही, क्योंकि सेगमेंट में ऐसा डिज़ाइन कोई भी ऑफर नहीं करता है। लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में अगर बात करें, फाइबर का ही पार्ट है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी 125 सीसी सेगमेंट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया है यार। बाइक की जो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ ना, वो मैं फील कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो DRLs का डिज़ाइन है ना, ये कंपनी ने थोड़ा ऊपर दिया है, ये अगर थोड़ा सा यहाँ साइड में होता तो शायद थोड़ा और अच्छा लुक हो सकता था, क्योंकि ये थोड़े से मुझे अटपटे लगे, क्योंकि ये पोजीशन थोड़ी सी अगर नीचे होती ना तो और अच्छा लुक दे सकती थी। यहाँ पे हीरो का आपको लोगो देखने को मिल जाएगा। और नीचे वाले डिज़ाइन के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार, ये वाला एजिस वाला जो डिज़ाइन है ना, शार्प फिनिशिंग एग्रेसिव लुक दे रहा है इस बाइक की LED हेडलाइट को, और इसके अंदर LED प्रोजेक्टर हेडलाइट है, यानी कि दो प्रोजेक्टर दिए गए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे DRL ऊपर हैं और प्रोजेक्टर आपको नीचे देखने को मिलेंगे। काउल का डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया दिया गया है, शार्प फिनिशिंग और एजिस वाला डिज़ाइन है, और 125 सीसी सेगमेंट में LED इंडिकेटर्स कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इसके अंदर आपको LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे, ऑल LED लाइट्स का बाइक के अंदर सेटअप है। 125 सीसी सेगमेंट में ऑल LED लाइट्स का सेटअप हो गया, यानी कि LED इंडिकेटर, LED DRLs, LED हेडलाइट आ गई, लेकिन उसके साथ में हैजार्ड लाइट स्विच, भाई हैजार्ड लाइट स्विच भी है जिससे चारों इंडिकेटर्स ऑन हो जाएंगे। ये फीचर तो आपको 150 और 160 सीसी वाली सेगमेंट की बाइक में भी नहीं मिलता है, तो ये फीचर इस बाइक के अंदर हीरो ने दे दिया है यार। हीरो की R&D टीम को इस बाइक को बनाने के लिए सल्यूट है यार, क्योंकि ऐसी बाइक 125 सीसी सेगमेंट में इंडियन टूलर मार्केट में कहीं भी नहीं है। 37mm के टेलीस्कोपिक टाइप के फ्रंट फोक्स इसके अंदर दिए गए हैं, जो इससे हायर सीसी सेगमेंट की बाइक्स है ना, उसके अंदर भी इतने मोटे सस्पेंशन नहीं आते हैं। इस बाइक के अंदर बहुत ही बढ़िया टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स इसके अंदर दिए गए हैं, और लेग गार्ड की बिल्ड क्वालिटी अगर देखें तो यार इसकी भी बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच है, बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ ये आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं टैंक श्राउड्स के बारे में, तो टैंक श्राउड्स के ऊपर आपको 125R की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, और ये थोड़ा सा ना अलग कलर के अंदर हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पर स्पार्कलिंग कलर आपको देखने को मिल जाएगा, और जो इनका डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा है। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, ऐसी बिल्ड क्वालिटी 150 160 सीसी सेगमेंट की बाइक्स के अंदर भी नहीं आती है, लेकिन इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी हर एक एंगल से बहुत अच्छी लग रही है हमें। अब बात करते हैं फ्यूल टैंक के बारे में, तो यहाँ पे एक्सट्रीम का 3D लोगो दिया गया है, जो 3D एम्बेड लोगो है, और जो एजिस वाला डिज़ाइन दिया गया ना, ये भी काफ़ी अच्छा है। मस्कुलर फ्यूल टैंक है, इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10 लीटर की है, और यहाँ से आप देखोगे ना तो पैनल्स को कितना भी हिला के देख लो, जोर लगा के देख लो भाई, ये नहीं हिल रहे हैं, और इनकी फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे आपको स्पार्कलिंग मैट ग्रे कलर देखने को मिल जाएगा, और स्पार्कल्स हैं इसके अंदर जो काफ़ी अच्छे से हाईलाइट हो रहे हैं। E20 की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाएगी।
तो बाइक में चाहे फ्रंट फेंडर की बात हो, चाहे हेडलाइट काउल की बात हो, चाहे टैंक श्राउड्स की बात हो, चाहे फ्यूल टैंक की बात हो, बिल्ड क्वालिटी हर एक एंगल से जो फाइबर्स हैं उनकी बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच है यार। और ये वाले पार्ट जो आप साइड में देखोगे इनकी भी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो 125cc सेगमेंट के अकॉर्डिंग बाइक में हीरो ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में। ये भी इसका बहुत ही अच्छा एक हाईलाइटिंग फीचर है। तो बाइक के अंदर छोटा सा एक कॉम्पैक्ट साइज़ का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है, लेकिन फीचर्स भाई इसके अंदर गियर पोजीशन इंडिकेटर भी है भाई इसके अंदर, जो आपको बहुत बड़ी बड़ी बाइक्स के अंदर भी देखने को नहीं मिलता है। 150 है और 160cc सेगमेंट की जो बाइक्स होती है ना उनके अंदर भी गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं आता है, लेकिन इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर है, स्पीडोमीटर है और RPM मीटर भी है, फ्यूल गेज भी है, सारी चीज़ें आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल के अंदर मिल जाएंगी। और M और S ये दो बटन दिए हैं जिसके थ्रू इसके कंसोल के फीचर्स को आप ऑपरेट कर सकते हो। छोटा सा कंसोल है, प्यारा सा है, लेकिन इसके अंदर इंफॉर्मेशन सारी आपको मिल जाएंगी। और इसके अंदर स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाले फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले फीचर इसके अंदर दिए गए हैं, यानी कि SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट, आपके मोबाइल की बैटरी और सर्विस रिमाइंडर, ये सारे फीचर्स इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के अंदर दिए गए हैं। और चाबी की अगर बात करें तो यार इसकी की है काफ़ी नॉर्मल सी है, लेकिन हीरो की बैजिंग इसके ऊपर दी गई है और एक साइड हीरो का लोगो है। और की स्लॉट इसका यहाँ पे आपको मिल जाता है, की स्लॉट इसका आगे है, टैंक के ऊपर नहीं है। और स्विच गियर्स के बारे में बात करें तो हैजार्ड लाइट स्विच आपको यहाँ पे मिल जाएगा, हाई बीम लो बीम का स्विच यहाँ पे है, टर्न इंडिकेटर्स का स्विच यहाँ पे है, यानी कि आप ऐसे दबाओगे और बीच में दबाओगे तो ये बंद हो जाएगा। यहाँ पे हॉर्न बटन है, एक बार हॉर्न सुना के दिखाता हूँ आपको, साउंड काफ़ी प्यारी सी है। इंजन किल स्विच और सेल्फ स्टार्ट बटन, ये दोनों एक ही बटन दिए गए हैं। एक बार इसका एग्जॉस्ट नोट भी आपको सुनाता हूँ, एग्जॉस्ट नोट कैसा है। आइडल पे तो बहुत ही कम साउंड है यार इसका, अब थोड़ा सा रेव करते हैं। एक सौ पच्चीस सीसी सेगमेंट के अकॉर्डिंग यार एग्जॉस्ट नोट अच्छा है, ग्रंट है। इसके अंदर बार टाइप का हैंडल बार है यार, और राइडिंग पोस्चर भी बाइक का काफी कंफर्टेबल है। जो फुट पैक्स हैं वो थोड़े से स्लाइटली रियर सेट हैं, यानी कि स्पोर्टी बाइक्स के अंदर जैसे होते हैं ना, नेकेड स्पोर्ट्स बाइक के अंदर बिल्कुल वैसे ही फुट पैक है। तो आपको कम्यूटर वाली बाइक का फील नहीं आएगा इसके अंदर। 125cc की नेकेड स्पोर्टी टाइप की बाइक है ये, इसको कोई भी कम्यूटर टाइप की बाइक अगर बोलेगा ना तो भाई मैं बुरा मान जाऊंगा, कम्यूटर टाइप की बाइक नहीं है यार ये, 125cc नेकेड स्पोर्ट्स टाइप की बाइक है। तो बार टाइप का हैंडल बार है, राइडिंग पोस्चर इसका काफ़ी कंफर्टेबल है। इनके अंदर भी एजेस वाला डिज़ाइन दिया है कंपनी ने और काफ़ी प्यारे दिख रहे हैं, पीछे से व्यू भी काफ़ी डिसेंट आएगा। इसके तीन कलर हैं, लेकिन तीनों कलर्स में से यार ब्लैक कलर मुझे पर्सनली देखने में बहुत ही बढ़िया लगा। तो बाइक के डायमेंशन एक बार बता देता हूँ आपको, इसका जो वेट है वो 136 kg है, तो सेगमेंट के अकॉर्डिंग बाइक काफ़ी लाइट वेट है। पावर टू वेट रेशियो, टॉर्क टू वेट रेशियो इसका अच्छा रहेगा। जो इसकी सीट हाइट है वो 795mm की है, तो एक साइड से मैं पूरा फ्लैट फुट रख सकता हूँ। आपकी हाइट अगर कम भी है तो भी आप कंफर्टेबली बाइक को चला पाओगे। ग्राउंड क्लियरेंस सेगमेंट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है, 180mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है और जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी वो 10 लीटर की है। और कंपनी इस बाइक की माइलेज क्लेम करती है 66 किलोमीटर पर लीटर की, तो एक बार फ्यूल टैंक को फुल कराओगे तो 660 यानी कि यार 650 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस आसानी से एक बार में आप कवर कर सकते हो। इसका एक बहुत ही हिडन फीचर आपको बताता हूँ जो शायद अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। ये भाई USB पोर्ट इसका यहाँ दिया गया है, काफ़ी छुपा के दिया हीरो ने, ईजिली कोई दिखा नहीं पाएगा इसको। हैंडल बार के नीचे दिया गया है, लेकिन पोजीशन बहुत बढ़िया है इसकी, बहुत ही सही पोजीशन है, यानी कि हैंडल बार पे आप कोई भी अपना मोबाइल होल्डर माउंट करोगे ना तो बिल्कुल पास में ही आपको जो USB पोर्ट है वो मिल जाएगा। 125cc सेगमेंट में ऐसी किक आपने किसी बाइक के अंदर नहीं देखी होगी भाई। किक की बिल्ड क्वालिटी कितनी तगड़ी है, फिनिशिंग कितनी अच्छी है। यहाँ पे स्प्रिंट EBT की बैजिंग है और वो इसलिए है क्योंकि कंपनी ने इस बाइक के इंजन को स्प्रिंट EBT नाम दिया है। तो बाइक में 125cc का एयरकूल्ड इंजन है जिसकी पावर 11.5 PS के आसपास की आपको मिलेगी और 10.5 Nm के आसपास का टॉर्क मिल जाएगा। और उसके साथ में 5-speed गियरबॉक्स यानी कि 5 गियर हैं बाइक में। और इंजन की भी फिनिशिंग यार बहुत बढ़िया लग रही है। कैटलिटिक कन्वर्टर के ऊपर एक कवर दिया गया है ताकि आपका जो पैर है ना वो इस पर टच नहीं होगा, तो ये एक प्रोटेक्शन का काम करेगा यहाँ पे। और जो फुट पैक्स की बिल्ड क्वालिटी है वो भी यार इस बाइक के अंदर बहुत ही बढ़िया दी है कंपनी ने। इसके अंदर मिडल स्टैंड और साइड स्टैंड, ये दोनों स्टैंड आपको मिल जाएंगे। तो 125cc सेगमेंट की बाइक है तो ये चीज़ें तो मिलनी चाहिए थी बाइक में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, बाइक के अंदर शोवा का प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। 125cc सेगमेंट में यार कौन सी बाइक ऐसी जिसके अंदर शोवा का कोई कंपोनेंट आता हो, तो शोवा का आपको मोनोशॉक सस्पेंशन पीछे इसके अंदर मिल जाएगा। तो बाइक के अंदर जो कंफर्ट है वो बहुत बढ़िया देखने को मिल जाएगा, यानी कि सस्पेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ब्रेकिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और पीछे वाले टायर के बारे में बात करें तो 120/80 सेक्शन का पीछे टायर दिया गया है। सेगमेंट में सबसे ज़्यादा अच्छा सुपर वाइड टायर आपको देखने को मिल जाएगा पीछे, और दोनों ही ट्यूबलेस टायर्स हैं। पीछे आपको ड्रम ब्रेक इसके अंदर मिलेगा, आगे डिस्क ब्रेक। एक्जो सिस्टम के बारे में बात करें तो यार काफ़ी अच्छा सा प्यारा सा मस्कुलर एक्जो सिस्टम कंपनी ने प्रोवाइड किया है, जिसके ऊपर एक कवरिंग भी है और ये भी मेटल का पार्ट है। और डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है यार, बाइक के लुक्स को बिल्कुल मैच कर रहा है एक्जो सिस्टम। और पीछे आप आओगे तो रियर टायर अगर इसका कुछ ऐसा दिया है कंपनी ने जैसा हस्कोरना की बाइक्स के अंदर आता है, और ये पर्सनली यार मुझे देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हस्कोरना ने जो अभी नई बाइक्स आ रही है उनमें से ये फीचर हटा दिया है, लेकिन हीरो ने ये फीचर अपनी बाइक के अंदर प्रोवाइड कर दिया है, तो इसके लिए हीरो को चीयर अप करना बिल्कुल बनता है यार। टेल टाइडी भी कंपनी ने काफ़ी शॉर्ट
स्पॉट रखी है और आपकी नंबर प्लेट यहाँ पे माउंट होगी। यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए एक लाइट भी है और LED टेल लाइट का डिज़ाइन यार बहुत ही बढ़िया है। ये पन्नी थोड़ी सी हटा के दिखाता हूँ आपको ताकि आप अच्छे से देख पाओ कि LED टेल लाइट के लुक कितने अच्छे हैं। स्प्लिट टाइप के LED टेल लाइट है और ब्रेक आप दबाओगे तो कुछ ऐसे लुक आएंगे इसके LED टेल लाइट के। और एक बात मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगा, जो हीरो की एक्सट्रीम 160R है ना यार, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी इस बाइक की रियर प्रोफाइल है। फ्रंट प्रोफाइल तो उससे ज़्यादा अच्छी है ही, रियर प्रोफाइल भी उससे कहीं ज़्यादा अच्छी है। स्प्लिट टाइप के जो ग्रेवरल्स दिए हैं ना, इनका डिज़ाइन बहुत अच्छा है। पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग इनके ऊपर है और LED टेल लाइट का डिज़ाइन एक्सट्रीम 160R 4V से भी ज़्यादा अच्छा है इस बाइक के अंदर। LED इंडिकेटर्स भी काफ़ी अच्छा लुक देते हैं पीछे से, और टर्न इंडिकेटर्स अगर ऑन होंगे हैजर्ड लाइट्स के साथ में तो पीछे से कुछ ऐसा लुक आएगा बाइक का। यहाँ पे साइड प्रोफाइल पे आपको हीरो की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे स्पार्कलिंग मैट ग्रे कलर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे पियानो ब्लैक कलर आपको देखने को मिल जाएगा पूरा रियर में पीछे तक। स्प्लिट टाइप की सीट्स बाइक के अंदर दी गई हैं। सीट्स की कुशनिंग यार बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही बढ़िया कुशनिंग है और पिलियन के लिए बैठने के लिए स्पेस काफ़ी अच्छा है। ये अगर स्प्लिट टाइप की सीट ना होती ना तो बाइक के लुक्स अच्छे नहीं लगते। स्प्लिट टाइप की सीट होने की वजह से एक तो लुक भी बहुत अच्छे आ रहे हैं और पिलियन के लिए बैठने के लिए स्पेस भी डिसेंट है। और फाइनली अपने वर्डिक्ट के बारे में बात करता हूँ मैं, बाइक मुझे कैसी लगी। तो यार पर्सनली मैं बताऊँ तो 125cc सेगमेंट में वन ऑफ दी बेस्ट लुकिंग मशीन है ये। अभी TVS की रेड भी मार्केट में आ रही है, वो काफ़ी अच्छी दिखती थी, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी दिखती है बाइक। और बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी अपनी सेगमेंट में बिल्कुल टॉप नॉच है ये। बिल्ड क्वालिटी आपको कहीं भी किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लगेगा कि बाइक के अंदर कॉस्ट कटिंग की गई हो। बहुत ही अच्छे लुक है बाइक के, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, तो बिल्कुल आप इस बाइक को कंसिडर कर सकते हो। बाकी बाइक चलने में कैसी है, फील कैसा आता है, वो नेक्स्ट वीडियो में जब बाइक को राइड करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो यार इस वीडियो में फिर इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी इस वीडियो में आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अपने भाई को यार इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो @K2KMotoVlogs पे, और अब तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।